नीतिवचन अध्याय सात। नीतिवचन अध्याय सात। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों से बांध और अपनी हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहिन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी, और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जो होती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को, व जैसी बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर बेग से उड़े, और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूलकर न जाना, क्योंकि बहुत लोग उससे मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है।